यहाँ से हमें ऊपर छत पे जाने की जगह मिलेगी। ये आप मस्जिद नबवी के सहन का खूबसूरत नज़ारा देखिए। जुमे की नमाज हो चुकी है। इस गेट से भी हम अंदर जाएंगे और फिर इंशाल्लाह ताला छत पर। ये देखें यहाँ से अभी हम ऊपर जाएंगे। अभी हम इंशाल्लाह ताला मस्जिद नबवी की छत पे पहुँच जाएंगे। वहाँ से गुंबद खिजरा का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा देखेंगे। ये देखें माशाल्लाह। अभी हम यहाँ से ऊपर आए थे, इस गेट से एंटर हुए थे। चलें अब ऊपर चलते हैं मज़ीद। छत पर ये फ़ायदा हो जाता है कि ऊपर जो है वो रश नहीं होता, बिल्कुल खाली पड़ी हुई होती है। वहाँ पर थोड़ा आराम भी हो जाएगा क्योंकि असर में अभी डेढ़ घंटा तकरीबन बाकी है। ये देखें अभी भी बहुत और सीढ़ियाँ चढ़नी है हमें। रमज़ान में तो ऐसी एक्सरसाइजें बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब लें जी, हम छत पे पहुंच चुके अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी लेकिन चलें खैर। ये देखें यहाँ पे लोग आराम सुकून से आराम फरमा रहे हैं। मुझे तो सांस ही चढ़ गया सीढ़ियाँ चढ़ गई। कोई खाली जगह ढूंढते हैं। ये देखें ये फ़ायदा होता है छत पे आने का। आराम सुकून से आप कालीन के ऊपर लेटे रहें मज़े से। अगर होटल में गए तो फिर इंसान बहुत सुस्त पड़ जाता है, फिर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखें सारी की सारी जगह खाली पड़ी हुई है और लोग यहाँ पर मज़े से सो रहे हैं। ये लोग ज़्यादातर उमरा ज़ाहरीन भी होते हैं और जो यहाँ पे सऊदीया के दूसरे शहरों से आते हैं। ये देखें माशाल्लाह मस्जिद नबवी की छत का खूबसूरत मंज़र। ज़्यादातर लोग छांव में लेटे हुए अंदर की तरफ देखते हैं। हमें भी कहीं पर कोई खाली जगह मिल जाए, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, असर तक रोज़ा भी गुजर जाएगा। मैं तो आज सुबह ही मदीना मुनव्वरा आया हूँ और उस वक़्त से मैं जो हूँ भाग दौड़ में ही लगा हूँ। उस तरफ चलते हैं, उस तरफ देखते हैं, शायद वहाँ पे ज़्यादा अच्छी जगह होगी। क्योंकि जितना दूर होते जाएंगे एंट्रेंस वाली जगह से उतनी ज़्यादा अच्छी खाली जगह मिलने के चांसेस हैं। वैसे तो ये सारा एरिया खाली पड़ा हुआ है लेकिन इस टाइम यहाँ पर जो है वो धूप का कब्ज़ा है। धूप का कब्ज़ा ख़त्म होते ही हम भी इंशाल्लाह ताला बाहर निकल आएंगे। फ़िलहाल कहीं अंदर ही जगह ढूंढनी पड़ेगी। अभी आपको इंशाल्लाह ताला छत से गुंबद खिजरा का खूबसूरत नज़ारा भी दिखाऊंगा। आप सलाम अर्ज कीजिए, अपने भाई के लिए भी दुआ कीजिए और अपने लिए भी दुआ कीजिए। ये देखें माशाल्लाह, ये वाला सीन मुझे नहीं लगता आपको आज तक आपने देखा होगा या आपको किसी ने दिखाया होगा। छत का ये खूबसूरत नज़ारा यकीन कीजिए, नीचे बाहर सहन में तो इस टाइम खचा खच, चारों तरफ मस्जिद के जो है वो लोग भरे हुए हैं लेकिन छत देखें माशाल्लाह पुरसकून खाली पड़ी हुई है। लोग यहाँ पे इबादतों में भी मशगूल हैं, कोई कुरान पाक पढ़ रहा और कोई आराम फरमा रहा। ये देखें मस्जिद नबवी की खूबसूरत छुपी हुई जगह जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। हम अक्सर औकात ईद पर आया करते थे पहले, तो उस टाइम हम जो है ना इसी छत के ऊपर आकर बैठा करते थे
क्योंकि यहाँ पर हमें जगह खाली मिल जाती थी, थोड़ा आराम भी हो जाता था, ईद की नमाज़ भी मिल जाती थी। बड़ा अच्छा मज़े का दौर हुआ करता था आज से तकरीबन 7-8 साल पहले। ये देखें वो सामने माशाल्लाह गुंबद खिजरा, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें लोग तो माशाल्लाह बहुत दूर दूर तक पहुंच गए,